तो फाइनली दोस्तों मोटोरोला ने मोटो S30 की लॉन्चिंग जो है वो इंडिया के अंदर कर दी है। फ्लिपकार्ट और रिलायंस डिजिटल स्टोर के ऊपर स्मार्टफोन एक्सक्लूसिव सेल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा 19 मई ऑनवर्ड। 12 बजे के बाद स्मार्टफोन सेलिंग के लिए, बुकिंग के लिए अवेलेबल होगा, जहां से आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। लॉन्च कंप्लीटली हो चुका है और काफी कंपेटेटिव प्राइस के रेट पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि स्मार्टफोन की जो प्राइजेस है वो लगभग 30 से 35 हजार रुपए के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और दो वेरियंट में स्मार्टफोन है, 6 GB की रैम और 8 GB का रैम दिया गया है। दोनों में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और जो लॉन्चिंग की गई है ना इंडिया के अंदर, 6 GB वाले के लिए आपको 28 हजार रुपए देना होगा और जो 8 GB वाला रैम है उसके लिए आपको दोस्तों 30 हजार रुपए चुकाने होंगे। 29,999 रुपए रेट रखा गया है। और साथ में यदि आपके पास HDFC बैंक या सिटी बैंक का कार्ड है तो आप लोग 2,000 से 1,500 रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो 25,000 समथिंग का आपका 6 GB वाला वेरियंट हो जाएगा। काफी सस्ता स्मार्टफोन है, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट बॉक्स ओवरव्यू लेंगे कि क्या कुछ हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, क्या एक ओवरव्यू है। काफी कुछ चेंजेस भी है हमारा, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था उससे थोड़ा सा चेंजेस है स्मार्टफोन के बिल्ड क्वालिटी में। सबके ऊपर बातें करेंगे डिटेल में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अगर आप लोग स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं। तो शॉर्ट में सब कुछ खत्म करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट बिफोर दैट चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ही वीडियोज आपको देखने को मिलती रहेगी। साथ में यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर हैं, अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मोटो S30 के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ इंडिया में लॉन्चिंग की गई है। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले स्मार्टफोन के बॉक्स कंटेंट, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो बॉक्सेस के अंदर आपका एक स्मार्टफोन जो कि मोटो S30 है आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक चार्जिंग केबल यानी कि USB केबल और एक चार्जर, साथ में आपके जो भी यूजर मैनुअल्स और वारंटी कार्ड्स आते हैं वो देखने को मिलेगा, साथ में सिम इजेक्टर टूल और एक बैक प्रोटेक्टिव कवर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग बैक कवर के नाम से जानते हैं, इसमें अवेलेबल रहेगा। साथ में वेट के बारे में अगर बात करें, लगभग 155 ग्राम के आसपास का इसका वेट है और ये वर्ल्ड का सबसे पतला स्मार्टफोन बनाया गया है। इस वजह से कुछ चीजें हैं जो कि कार्ड भी दी गई है स्मार्टफोन के अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्मार्टफोन IP52 के रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है, वाटर रेपेलेंट डिजाइन के साथ आपको देखने को मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी के मामले में प्लास्टिक की फ्रेमिंग दी गई है बहुत हिस्से पे, चाहे वो बैक वाला हिस्सा हो या फिर आपकी फ्रेमिंग हो, प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बैक वाले हिस्से में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि रूमर्स थे, लेकिन लॉन्चिंग के बाद पता चला कि इसमें आपका प्लास्टिक की ही फ्रेमिंग दी गई है। साथ में ट्रिपल सेट कैमरा विद डुअल LED फ्लैशलाइट दिया गया है, जो कि नाइट विजन में काफी बढ़िया से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आपके कर देगा। सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, पंचोल वाला कैमरा सेटअप है, टाइप सी की कनेक्टिविटी फॉर चार्जिंग एंड USB कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, साथ में हेडफोन्स की कनेक्टिविटी भी उसी से आप लोग कर पाओगे, क्योंकि इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं है। पतला स्मार्टफोन है इस वजह से 3.5 mm के ऑडियो जैक को पहले ही फुर्सत से उन्होंने निकाल दिया, लात मार दिया। साथ में SD कार्ड का ऑप्शंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप लोग डुअल सिम को डुअल स्टैंडबाय में 5G मोड में यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं। मेरे हिसाब से जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है स्मार्टफोन की वो काफी बढ़िया है, आपको देखने में काफी बढ़िया, काफी हल्का स्मार्टफोन महसूस होगा, तो किसी तरह कोई इश्यूज नहीं होने वाली है। साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको दिया गया, जिसके कारण साउंड जो है वो क्वालिटी काफी बढ़िया आपको स्मार्टफोन के साथ दोस्तों देखने को मिल जाएगी। कनेक्टिविटी और बैंड्स के मामले में स्मार्टफोन 13 बैंड्स को इंडिया के अंदर 5G के सपोर्ट करेगा और बहुत ही अच्छे से आपका स्मार्टफोन 5G नेटवर्क के ऊपर वर्क करता हुआ दिख जाएगा, किसी तरह की कोई इश्यूज आपको देखने को दोस्तों इन टर्म ऑफ 5G की कनेक्टिविटी या बैंड्स नहीं मिलेगी। वहीं अगर स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो स्नैपड्रैगन का ट्रस्ट है, स्नैपड्रैगन का 778G वाला प्रोसेसर दिया गया, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर वर्क करता है। काफी बढ़िया बैटरी एफिशिएंसी के साथ आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे देगा, लैगिंग इश्यूज नहीं होगा, कूलिंग मैनेजमेंट काफी अच्छा स्मार्टफोन के अंदर दिया गया, जिसके वजह से हीटिंग इश्यूज अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में ऑक्टोकोर वाली कॉर्टेक्स A78 और A55 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा CPU के एंड से भी, और एड्रीनो 642L वाली GPU आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन के साथ आपका होगा। यानी अगर आप लोग एक गेमर्स थे, गेमिंग सेक्शन के लिए अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो ये स्मार्टफोन आपके लिए होगा, किसी तरह की कोई इश्यूज आपको इन टर्म ऑफ गेमिंग या फिर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं मिलने वाली स्मार्टफोन के साथ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टफोन वर्क करेगा।
वहीं अगर स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी रापची का आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। 6.5 इंचेस का फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला पी ओलेड डिस्प्ले आपको दिया गया स्मार्टफोन के अंदर, जो दोस्तों वर्क करेगा 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर, साथ में 500 निट्स की ब्राइटनेस वैल्यू और 91.4% का एक्सपेक्टेड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी भी दी गई है, जिसके साथ काफी बढ़िया क्वालिटी का आपका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले को टूटने फूटने और स्क्रैच से बचाने के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जिसके कारण आपका स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहने वाला है। मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट काफी बढ़िया से स्मार्टफोन के अंदर वर्क करता हुआ आपको दिख जाएगा। वहीं अगर स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो ट्रिपल सेट कैमरा विद डुअल LED फ्लैशलाइट आपको दिया गया स्मार्टफोन के अंदर। 50+50+2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का आपका वाइड एंगल कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और साथ में 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर कैमरा आपको देखने को मिलेगा। 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा, 30 फ्रेम पर सेकेंड पे कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगी। साथ में जो फ्रंट वाला सेल्फी शूटर है वो भी आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और पंच होल वाला इन सेंटर कैमरा है। साथ में 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट वाले कैमरे से भी आप लोग ले सकते हैं, 30 फ्रेम पर सेकेंड पे कोई इश्यूज नहीं। बोथ कैमरा, चाहे वो रियर वाला पैनल का कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, आप लोग 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। काफी बढ़िया से OIS यानी कि इमेज स्टेबिलाइजेशन काफी बढ़िया से वर्क करता हुआ स्मार्टफोन के अंदर आपको दिख जाएगा। कैमरे के एंड से भी कोई इश्यूज नहीं है, आप देख सकते हैं सैंपल्स में भी काफी बढ़िया से कैमरा वर्क करता हुआ आपको दिख जाएगा। वहीं अगर स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, और एक चीज बहुत ही अच्छी होती है मोटोरोला के स्मार्टफोन के अंदर वो होता है इनका फ्री सिक्योरिटी अपडेट्स और एंड्रॉइड के लेवल का अपडेट। यानी कि जो आप मोटो S30 को खरीदेंगे इसके साथ आपको 3 साल का फ्री थिंकशील्ड की सिक्योरिटी का अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आपको एंड्रॉइड 13 और 14 का अपडेट्स भी दिया जाएगा, जो कि प्रॉमिस किया गया है मोटोरोला की तरफ से। यानी कि आप लोग एंड्रॉइड 12 पे परचेस करेंगे स्मार्टफोन और एंड्रॉइड 13 और 14 का अपडेट्स भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दैट इज रियली गुड अबाउट दिस स्मार्टफोन। साथ में स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन यानी कि क्लीन एंड्रॉइड UI के ऊपर स्मार्टफोन वर्क करता है, काफी बढ़िया से आपको परफॉर्मेंस निकाल कर दे दे। कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन या फालतू के एडवर्टीजमेंट आपको देखने को स्मार्टफोन के अंदर किसी तरह का बोटवेयर नहीं मिलता है, काफी बढ़िया से वर्क करता है मोटोरोला का UI। वही अगर स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में दोस्तों बातें कर ले तो सिर्फ आपको 4000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन के साथ देखने को मिल रही है। दैट इज रियली बैड अबाउट द स्मार्टफोन, बट स्मार्टफोन को काफी हल्का और पतला बनाने के चक्कर में ये कॉम्प्रोमाइज किया है मोटोरोला ने। 33 वॉट वाला आपको टर्बो चार्जर भी स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके साथ लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपकी बैटरी 0 से 100% तक चार्ज हो जाएगी। कोई इश्यूज बैटरी के एंड से भी देखने को नहीं मिलेगी। 1 से 1.25 दिन तक का बैकअप बहुत ही आराम से आप लोग लेकर जा सकते हैं। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कर लीजिएगा, जो फालतू के बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे होते हैं उसे बंद कर लीजिएगा, तो बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग फाइनली स्मार्टफोन्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, साथ में कितने वेरियंट्स में स्मार्टफोन अवेलेबल है इसके ऊपर भी बातें कर लेते हैं। तो सिंपली 2 वेरियंट्स आपको देखने को मिलेगा स्मार्टफोन का। 6GB की रैम, 8GB का रैम का ऑप्शन दिया गया है। साथ में इंटरनल स्टोरेज के लिए सिंगल एक ही ऑप्शन है 128GB का, चाहे आप 8GB वाला रैम ले लो चाहे 6GB का रैम ले लो, दोनों में सेम स्टोरेज का ऑप्शन है। एसडी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कोई और विकल्प आपके लिए नहीं है। साथ में दाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2800-3000 रुपये स्मार्टफोन का दाम रखा गया। ऑफर लगा के और भी सस्ते में आप लोग ले सकते हैं। और स्मार्टफोन्स को फाइनली खरीदो या ना खरीदो, एक रिव्यू जो होता है मैं देने की कोशिश करूं तो स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, आप लोग ले सकते हैं। इन टर्म ऑफ डिस्प्ले पी ओलेड डिस्प्ले दिया गया है, फुल एचडी की रेजोल्यूशन है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि काफी अच्छी स्मार्टफोन को डिस्प्ले को बना देता है। कैमरे की क्वालिटी बोथ एंड पे, चाहे वो बैक वाला हो चाहे फ्रंट वाला कैमरा हो, 4K के ऊपर वर्क करता है, काफी अच्छे क्वालिटीज के आपको कैमरा निकाल कर स्मार्टफोन पिक्चर्स और वीडियोस दे देगा। साथ में प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का दिया गया, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है, कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी वाला जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा सा जरूर निराश करेगा, क्योंकि 4000 mAh की ही बैटरी है, लगभग 4500 भी रहती तब भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन ओवरऑल ठीक है। 33 वॉट का चार्जर है, तो लगभग आधे से 1 घंटे में आप लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड है वो काफी तगड़ा स्मार्टफोन का है, क्योंकि आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल रहा है, साथ में एंड्रॉइड 13 और 14 का अपडेट्स भी, और 3 साल का फ्री सिक्योरिटी अपडेट्स भी देगा, जो कि काफी अच्छी बात होती है मोटोरोला के स्मार्टफोन्स में। तो ओवरऑल सब कुछ ओके है स्मार्टफोन के अंदर, काटा नहीं जा सकता, आप लोग ले सकते हैं स्मार्टफोन को। बाकी कमेंट करके आप लोग राय अपनी शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा स्मार्टफोन का, जो स्पेसिफिकेशंस दिया गया है, प्राइसेस जो दी गई है, कितना एक्सेप्टेबल है कितना नहीं, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।